ओवर टू यू। मैं राजीव और मैं अभी दुबई में हूँ और दुबई में एशिया कप खत्म हुआ है और श्रीलंका के लिए मुझे लग रहा है कि मैं सूरज का उदय जरूर हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान को हराया श्रीलंका ने, एक क्लोज इनकाउंटर हो सकता था, लेकिन श्रीलंका तो क्योंकि इस टूर्नामेंट में हार के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, तो उनके लिए तो अच्छी खबर थी। और चर्चा भी अगर हम सुबह से बात करें तो दुबई में पाकिस्तान के हारने की, क्योंकि तमाम जो क्रिकेट फैंस है पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान की तरह ही है, पूरी जान वो लगाते हैं कि उनकी टीम जीते, लेकिन नहीं जीत पाए। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब शाम होते होते दुबई में जैसा कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि 15 तारीख को टीम आएगी भारतीय टीम की वर्ल्ड कप स्क्वाड, लेकिन अब क्योंकि बहुत जल्दी में अनाउंस किया है सेलेक्टर्स ने, अभी भी मुझे लग रहा है एक दो खामियां हैं। जैसे कि हम सब सोच रहे थे कि 5 तेज गेंदबाज होने चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। अब सिर्फ 4 तेज गेंदबाज है, जहाँ पे शमी को स्टैंड बाई रखा गया और दीपक चहर को स्टैंड बाई रखा गया है। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल निश्चित रूप से टीम में वापस आए हैं और उनको आना भी था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे लग रहा है जो T20 सीरीज है वहां मैच प्रैक्टिस भी उनको मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्क्वाड पर नजर डालें, 3 स्पिनर रखना मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। वहां की बाउंसी ट्रैक्स पे अगर आप खिलाएंगे भी तो आप जो चौथा स्विमिंग ऑप्शन होगा वो हार्दिक पांड्या होंगे, और साथ ही फिर आप जी उसके साथ ही अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट में देखें तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग यूनिट हिंदुस्तान के लिए चुना गया है। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच भी इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, मैं दुबई में हूँ, कल वापस हो चुका, लेकिन चर्चा यहाँ पे 2 चीज को लेके बहुत है, एक तो हिंदुस्तान जो मैच हारा और दूसरा श्रीलंका ने जिस तरह से फाइनल मैच जीता, और ये आनंद फानंद में टीम अनाउंस की गई है, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए राजीव, एशिया कप तो बड़ा सरप्राइजिंग था, इंडिया हार गई, वो एक बहुत दुखद रहा भारत के लिए, और वहाँ पर श्रीलंका जीती तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शानदार क्रिकेट खेलकर एशिया कप चैंपियन बनी है श्रीलंका, और किसी ने भी उनको कहीं रेट नहीं किया था इस टूर्नामेंट में, लेकिन बेहतरीन क्रिकेट खेली उन्होंने, भले आप बल्लेबाजी में देखें, गेंदबाजी में देखें या फील्डिंग देखें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग विनर थे इस चैंपियनशिप के। और जहाँ तक बात भारतीय टीम की है तो राजीव, थोड़ा सा सरप्राइज किया है सेलेक्टर्स ने, और वही एक मुद्दा है जो अभी आप भी कह रहे हैं कि और आनंद फानंद में आज 12 तारीख का टीम अनाउंस कर दी गई, और अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर को भी अगर नजर में रखें तो वो तो 20 तारीख से शुरू होना, यानी अब 14 या 15 को भी अनाउंस कर सकते थे, क्या एक रीजन आप देख पा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में टीम अनाउंस की गई? राजीव, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी की बात होगी सेलेक्टर्स की या कप्तान की, कि कोई अवेलेबल नहीं होगा उस डेट में जिसके लिए इतना एक दो दिन ये जल्दी किया गया और सरप्राइज किया सभी को। हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 या 15 में टीम बनेगी, लेकिन ये टीम थोड़ा जल्दी बन गई है, और माइंड तो मेकअप किया हुआ था सेलेक्टर्स ने, काफ़ी समय से देख रहे थे कि, और मोर और लेस यही एक वो था कि न्यूक्लियस तो यही था कि यही 20 लड़के हैं, इनमें से कौन 15 में आएगा या कौन 4 स्टैंड बाई होंगे। सरप्राइज मैं थोड़ा सा हूँ कि मोहम्मद शमी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने एशिया कप के लिए भी कहा था कि उनकी ज़रूरत भारत को है, और अभी भी मैंने वर्ल्ड कप के लिए तो कहा था कि उनकी बहुत कमी खलेगी भारत को, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर था और बॉलर हैं, और ऐसा नहीं कि वो T20 में अच्छा नहीं कर रहे थे, IPL में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो वर्ल्ड कप में ज़रूर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ मिस्ड आउट। और अच्छी बात है कि बुमराह और हर्षल टीम में वापस आए हैं, और साथ में उनके भुवनेश कुमार और हर्षदीप सिंह हैं, लेकिन काफी बड़ा सरप्राइज है कि प्लेयर को लेकर है आर अश्विन को लेके, अक्षर पटेल, आर अश्विन और यजेंद्र चहल को आपने टीम में एक साथ रखा है, ये तो वैसे ही हो रहा है कि दुबई आप 5 स्पिनर लेके गए, खिलाफ आए आप 2, और ठीक कुछ वैसी कहानी अब नजर आ रही है जब आपने 3 स्पिनर रखे, और मुझे लग रहा है 1 स्पिनर खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में से ज्यादा टीम में जगह नहीं बन पाएगी। मैं उसी पर आ रहा था राजीव, कि थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं आर अश्विन को लेकर, कि उनका शायद सरप्राइज इंक्लूजन है
लेकिन सेलेक्टर्स की सोच शायद रही होगी कि अगर अपोजिशन में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हों तो वो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इसके मद्देनज़र उनको मौका दिया होगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप दीपक हुडा को सिर्फ एज ए बैट्समैन ही देख रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पिछले मैचेस में देखा यहाँ पर एशिया कप में कि उनको गेंदबाजी नहीं कराई गई, शायद कप्तान को इतना भरोसा नहीं है उनकी गेंदबाजी पर, तो वो एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन ही खेल रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर को रखा गया है और हुडा को एज ए ऑलराउंडर नहीं एज ए बैट्समैन ही कंसिडर किया जा रहा है। बैटिंग ऑर्डर में तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है, बस एक जो चर्चा है यहाँ पर और वो चर्चा है कि जिस तरह से दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को टीम में रखा गया, उम्मीद की जा रही थी कि कोई एक जाएगा, थोड़ा सरप्राइज है आपको लग रहा है कि इन दोनों के नाम पर सहमति पहले से दे राजकुमार सर? नहीं, मुझे लगता है कि राजीव ये दोनों जरूर जाने वाले थे ही, कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंटली दोनों टीम में हैं और दोनों का डिफरेंट रोल है टीम में। वहीं जहाँ पर ऋषभ पंत टॉप ऑर्डर में खेलेंगे और उनकी एक जिम्मेदारी होगी कि काउंटर करें वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स दूसरी टीम के, या जो वन चेंज बॉलर्स आते हैं वन चेंज या सेकंड चेंज, वहीं पर दिनेश कार्तिक को एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है मैच फिनिशर का, जो उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया था, लेकिन लेटली उनको वो मौका नहीं दिया गया एशिया कप में, तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइज था कि उनको 11 में जगह नहीं मिली। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया के विकेटों को देखते हुए उनको, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए उनको दोबारा से वो मैच फिनिशर की के रोल में रखा गया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा भी नहीं है और आप अक्षर पटेल उनके ज़रूर उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ तक वो रविंद्र जडेजा की कमी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक फिनिशर का रोल भी निभाते थे भारत के लिए। जी, अब क्योंकि अक्षदीप और हर्षल पटेल पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे, कितना अंडर प्रेशर होते हैं उनको देख रहे हैं राजकुमार सर? देखिए, प्रेशर तो वर्ल्ड कप का रहेगा ही, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स को जितना मैं जानता हूँ, हर्षल तो मेरे अंडर भी रहे हैं एनसीए कैंप में, तो बहुत स्ट्रांग है मेंटली वो, और प्रेशर को उन्हें झेलना आता है, और हमने देखा है कि आरसीबी के लिए जिस तरह की वो गेंदबाजी करते थे या भारत के लिए T20 क्रिकेट में जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है उनको, बहुत सेल्फ बिलीव है, तो मुझे लगता है कि वही चीज़ें काफ़ी हद तक हर्षदीप ने भी दिखाई हैं कि वो एक स्ट्रांग हेडेड प्लेयर हैं और अच्छे लर्नर हैं दोनों, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीनियर्स उनको हेल्प करेंगे, टीम मैनेजमेंट उनको कॉन्फिडेंस देगी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे दोनों गेंदबाज। ओवरऑल कितने नंबर्स देंगे राजकुमार सर, जिस तरह की टीम है 15 जो आप प्लेयर्स देख पा रहे हैं, वापस हम 2021 वाली कहानी पे आ गए, क्योंकि अश्विन भी टीम में, शमी को स्टैंड बाई रखा गया, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह अपना पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे, और साथ ही हम बात करें तो हर्षल पटेल, यानी कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको लग रहे हैं नहीं हुए हैं और हम वापस ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ियों पर चले गए हैं? बिल्कुल राजीव, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पहले कर लिए गए थे, यहाँ पर एक दो ही कंटेंडर थे कि मोहम्मद शमी जैसे जो मेरी चॉइस थी, दीपक चाहर जिन्होंने अपना ज़रूर एक बहुत अच्छा दावा पेश किया था, वहीं पर चहल का मैं कहूँगा एक अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि काफ़ी कहा जा रहा था कि रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की है, डेफिनेटली वो अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन भारत को चहल की ज़रूरत थी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भारत को चाहिए, वो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, तो वो एक अच्छा सिलेक्शन है। थोड़ा सा सरप्राइज वही है कि तीन स्पिनर होने चाहिए थे और 5 फास्ट बॉलर रख सकते थे आप और 2 स्पिनर रख सकते थे, तो वहीं पर शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और सेलेक्टर्स ने और शायद टीम मैनेजमेंट ने कोच ने जो डिसाइड किया होगा, तो तभी उसी के मद्देनजर ये टीम बनी है, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस टीम को कि ये जरूर वर्ल्ड कप जीत कर आए, क्योंकि टीम में काफी अच्छा बैलेंस है, एक दो सिलेक्शंस पे हमेशा राजीव क्वेश्चन मार्क रहता ही है, मैं खुद सेलेक्टर रहा हूँ इतने साल, तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक की थिंकिंग अलग होती है, मेरा मानना था कि मोहम्मद शमी इस टीम में होने चाहिए थे, लेकिन सेलेक्टर्स को शायद लगा कि नहीं, हमारे पास ये 4 तेज गेंदबाज काफी हैं और साथ में हार्दिक पांड्या हैं,
तो मैं कहूंगा कि एक कुल मिलाकर एक अच्छी टीम है, एक अच्छी बैलेंस टीम नजर आ रही है। तो अच्छा, मुझे पूरी आशा है कि अच्छा प्रदर्शन होगा इस टीम की चलिए, तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि मैं दुबई में हूँ और समय डेजर्ट सफारी के लिए जा रहा हूँ। मेरे पीछे आप डेजर्ट देख रहे हैं, ये डेजर्ट यानी रेगिस्तान सूखा होता है, और भारतीय टीम के लिए जो वर्ल्ड कप में इस समय सूखा चल रहा है यानी T20 फॉर्मेट में जो सूखा हम बड़े दिनों से देख रहे हैं, हम कोई भी ट्रॉफी आईसीसी के नहीं जीत पाए हैं 2013 से। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि भारतीय टीम न सिर्फ इस रेगिस्तान के सूखे को खत्म करेगी, ट्रॉफी जीतेगी, बल्कि ये जो 15 खिलाड़ी चुने गए ये देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे एक बार फिर बाकी की खबरों के लिए चलते हैं हम न्यूज रूम राजीव के पास।